बाबा ओ श्याम बाबा, बाबा ओ श्याम बाबा, ओ बाबा ओ श्याम बाबा, ओ श्याम बाबा। श्याम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता हारे के सहारे की जय हो। श्याम बाबा तेरे गीत गाता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, मैं आता रहूं बाबा चाहते हैं कि बाबा बुलाता रहे और मैं आता रहूं, वो दोनों हाथ उठाना और ताली लगा के बाबा श्याम बाबा। सारी दुनिया के सुख एक तरफ और खाटू आना एक तरफ, वो हाथ उठाना है और ताली लगे एक दो तीन चार। अपने ख्वाबों में तुमको बसाया, अपने ख्वाबों में तुमको बसाया। और मैं बाबा से कहता हूँ कि बाबा ऐसा कर, नींद में ख्वाब भी आए तो तेरे ही आए, याद करूँ तो भी तुझे ही करूँ। और कैसे याद करूँ, दोनों हाथ खोलना। याद आती रहे यूं रुलाती रहे, बुलाता रहे और मैं आता रहूं।
25-30 साल पहले अगर आप जाओगे तो जो पुराने प्रेमी हैं, जो 50 साल से खाटू आ रहे हैं, उनका मैं नहीं कह सकती, मेरी आवाज बढ़ाना बेटा, लेकिन जो 20-25-30 साल पहले अगर आप जाके देखोगे तो जो बाबा का मंदिर था, यहाँ पे कबूतर चौक हुआ करता था जिसमें कबूतर उड़ते थे, अब उड़ी गए, परमानेंट ही उड़ गए, कईयों ने तो वो कबूतर देखे ही नहीं जो अब आए, हाँ वो कबूतर हमने देखे हैं, हाँ। और उस टाइम में जो मेला होता था, जो हम देखते आ रहे हैं, उस मेले में भी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन जो आज भीड़ हो रही है वैसी नहीं हुआ करती थी। और जो हमसे पहले वाले थे वो ये कहते थे कि मेला 13 सीढ़ियों पे खत्म हो जाता था, आज ये मेला रिंगस तक पहुंच गया, इतना बड़ा मेला। जय हो। और मेला कम झमेला ज्यादा हो गया, रिंगस तक इतने प्रेमी बाबा के दरबार में आ रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि सबको मालूम है, कोई सुन के आ रहा है, कोई एक बार आ रहा है तो पागल हो जा रहा है, और कोई आ रहा है तो उसको ये मालूम है कि ये यहाँ जाता है ना, वहीं से इसका काम बन रहा है, मेरे को भी वहीं जाना है। और आदमी का विश्वास वहां प्रगाढ़ हो जाता है जब पहली बार कोई आए और आते ही घर नहीं पहुंचे उससे पहले ये काम बना दे उसका। तो बताओ आदमी दूसरी जगह कहां जाएगा? लगाओ ताली। आज एक एक बच्चा कहता है, जब से तेरी शरण में मैं आया, जब से तेरी शरण में मैं आया, ऐसा दरबार पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। जो मांगो वो भी देता है, जो नहीं मांगो वो भी देता है, है? लगाओ ना ताली। जब से तेरी छाया जो न सोचा था वो मैंने पाया, तेरा एहसान है तू मेहरबान है, तेरा एहसान है तू मेहरबान है, तेरे चरणों में मस्तक झुकाता रहूं। दर्शन करने के बाद या दर्शन नहीं भी हुए तब तक भी आदमी पता है क्या सोचता है कि यार दर्शन भी कर लेंगे, चलो बैठ के दो घड़ी भजन ही सुन लें। हर किसी धर्मशाला में जाएगा जहां कीर्तन में भाव नजर आए, जहां कीर्तन में भजन नजर आ रहे हैं, वहीं बैठ के सुनता है। और भजन सुनने से क्या होता है वो मैं बता रही हूं। तो कभी भी जाओ, अगर दर्शन भी ना हो तो कोई बात नहीं, अगर पूरी रात बैठ करके भजन कर लिया वो दर्शन के बराबर है, मान लीजिए। लगाओ ताली। तेरे भजनों में अद्भुत है शक्ति, तेरे भजनों में अद्भुत है शक्ति, तेरे भजनों में रिझाता रहूं, रिझाता रहूं।
बार बोल के बता दो बाबा और कुछ मांगना चाहे मत मांगना, लेकिन एक बात बाबा से कहना कि बाबा जिस दिन पहली बार में जो भाव लेकर आया था, जिस दयनीयता से आया था, जिस सौम्यता से आया था, जिस भाव से आया था बाबा, वो भाव लास्ट तक, जिस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तब तक वही भाव बनाए रखना बाबा। लगाओ ताली। श्याम बिन्नू की ये है तमन्ना, श्याम बिन्नू की ये है तमन्ना, सदा फूटे ये भावों का झरना, सदा फूटे ये भावों का झरना, हे मेरे प्रियतम ना रुके ये कलम, हे मेरे प्रियतम ना रुके ये कलम। हर आदमी का अपना भावना भाव है, कोई गा के रही जाता है, कोई नाच के रही जाता है, कोई ताली बजा के रही जाता है, कोई जयकार लगा के रही जाता है, हाँ? लेकिन एक लिखने वाला क्या कहेगा, लगाओ ताली। मैं तो लिख लिख के तुझको सुनाता रहूं, सुनाता रहूं। प्यारे ते